सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू माय न्यू वीडियोस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी को बैन किया गया है। पबजी गेम बहुत घातक माना जा रहा है बच्चों के लिए। देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है बच्चों के लिए हानिकारक और लत बन गया है इस राज्य में लगा बैन। इस कौन से राज्य में लगा बैन है वो आपको मैं बताऊंगा नीचे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। पब बैन, गुजरात के सूरत में मोबाइल गेम पबजी गेम लगा दिया गया है, बैन कर दिया है, गुजरात में कर दिया है, गुजरात के सूरत में करा है। इस पर प्रतिबंध 9 मार्च से लगा होगा। इससे बच्चों के लिए हानिकारक और नकारात्मक बताया गया है। आज है 9 तारीख, आज की से बंद होगा वहाँ पे सूरत में बंद, नई दिल्ली में। अनकनाउ बैटल ग्राउंड रॉयल गेम पग एक तरह से नशे की लत ही की तरह है, यह बच्चों के लिए हानिकारक भी साबित हो रहा है। ऐसा कई घटनाएं हुई है जहां राज्य सरकारों ने खेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं। जम्मू के उस फिटनेस ट्रेनर की तरह ऐसी कई अन्य घटनाएं हुई है जिसमें उससे खुद को घायल कर लिया क्योंकि वो पब में एक गेम हार चुका था। अब गुरुवार को सूरत जिला प्रशासन ने पग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण बच्चों और युवाओं की हिंसक व्यवहार में वृद्धि होना है और वह भी खेल के आदि भी हैं। प्रशासन के अनुसार खेल की लत के कारण छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन खराब हो गया है। खेल पर प्रतिबंध 9 मार्च से लागू होगा। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्टर के अनुसार पग पर प्रतिबंध लगाने का सर्कुलर जिले के कई प्रधानमंत्री शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। राज्य में पग पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुजरात से चाइल्ड रॉयल्स बॉडी के चैंपियनर्स जागृत पांड्या द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRCR को सिफारिश की। अधिकारियों के अनुसार खेल के नए युवाओं को प्रभावित किया है। एक साल पहले पग पर मिला प्यार वैलेंटाइन डे वीक में की सगाई, ये पहले की मैंने वीडियो डाल रखी है, पहले की बात है। तो आप देख सकते हैं बैन किया गया है। लॉन्च हुआ पग जॉम्बीज मोड, इन ट्रिक से आसानी से जीत सकते हैं। अब कौन से ट्रिक से जीत सकते हैं ये भी देखने के लिए, बुधवार को एक रिपोर्टर ने कहा पग मोबाइल ने उन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है जो 13 वर्ष से कम उम्र के थे। देखो कौन सी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है, मोबाइल ने उन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है कि 13 वर्ष से कम उम्र के थे। फरवरी महाराष्ट्र के एक 11 साल के बच्चे ने हिंसा हत्या आक्रामकता जुआ खेलने की लत, लूटपाट और साइबर हमला करने जैसी अनैतिक आचरण के आधार पर पग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 7 मंत्रियों और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील की थी। आप देख सकते हैं कि 13 वर्ष से कम उम्र वाले नहीं खेल सकते ऐसा कहा जा रहा है, ताकि सरकार तो कुछ भी कर सकती है। आप देख सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यही कहूँगा लास्ट में।